स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24x7 में। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम खड़े हैं सिलीगुड़ी जंक्शन में इनके प्रतिमा के समक्ष में। और आइए यहाँ पे हम प्रकाश डालते हैं, यहाँ पे तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अपने विचारों को रखना चाहते हैं, तो आइए चीज़ों को स्पष्ट समझ के जानते हैं। धन्यवाद। ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। तो हमें बताइए आज सिलीगुड़ी अंबेडकर सोसाइटी बाबा भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज क्या क्या यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और ऐसे समय में आप समाज और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यहाँ पे सिलीगुड़ी जंक्शन में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के स्टेचू के सामने हम लोग उनका 132वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। इसके लिए मैं देशवासी को उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे इंसान थे, सिर्फ वो SC ST के नेता नहीं थे, उस संविधान रचयिता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न थे। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए जो समाज में पिछड़े है, दलित है, कोई भी कास्ट हो, सब के लिए उन्होंने काम किया है। खास करके आप देखेंगे महिलाओं के लिए उन्होंने पहले वोट का अधिकार दिलवाया था। अर्थनीति भारत की जब खराब हुई थी उस समय उन्होंने अर्थनीति लागू किया था और जब उनको जिस हिसाब से शोषण हो रहा था उस जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकार लिखा। जो मौलिक अधिकार के नंबर एक में सबसे है समानता का अधिकार, जिसमें लिखा गया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार हो कानून की नज़र में हर जगह। और उसमें एक अनटचेबल था जिसमें उनको सताया गया था, उसमें उन पर भुतभोगी थे वो, तो उनको सबसे पहले उन्होंने अपरिचितता का अधिकार, अपरिचितता जो उनको दूर किया, अनटचेबल को उन्होंने हटाया, उन्होंने सब जात को सब धर्म को लेकर काम किया। ठीक ठीक মাসিমা একটু এদিকে তাকাবেন। পাপা কে সাথ ভীমরাও বাবা আম্বেদকর কা জন্মদিন পে আকে কেসা লাগা আপকো? स्वागत करता हूं। तो आज हमें बताइए ये सिलीगुड़ी अंबेडकर सोसाइटी के तत्वाधान में क्या क्या किया गया है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और क्या क्या होने का है। सिलीगुड़ी अंबेडकर सोसाइटी हमारा 1990 से चल रहा है। ये बाबा साहेब अंबेडकर जी का मूर्ति हम लोग स्थापित किए थे और इनको देख रेख हमारा संस्था ही कर रहा है और विभिन्न समय पर हमारा संस्था के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम हम लोग करते आए हैं। इस बार हमारा सिलीगुड़ी अंबेडकर सोसाइटी अखिल भारतीय सफाई मजदूर समिति संघ, सफाई मजदूर संघ मिलकर हम लोग जॉइंटली प्रोग्राम कर रहे हैं। बाबा साहेब का जन्मदिवस 132वां जन्मदिवस मना रहा है। मेन उद्देश्य है हमारा संगठन का एवं जन्मदिवस मनाने का कि समाज में हमारा जितने भी पिछले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर बासपुर,
सिलीगुड़ी अम्बेडकर सोसाइटी के मैं प्रेसिडेंट हूँ, सभापति। स्वागत है आपका। तो हमें बताइए, आज जो ये अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर जी का 132वां जन्म दिवस के उपलक्ष में आप समाज को और देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए, आप अपना परिचय देते हुए। मैं छोटू राव अम्बेडकर सोसाइटी का मेंबर हूँ, ठीक है। हमारे भारत रत्न श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन है। इसमें हम लोग सब कोई सबका साथ सबका विकास का एक हम लोग नारा दिए हैं, सबका उन्नति हो हमारे जो समाज। जय हिंद आप सभी को, आपका स्वागत है। खासतौर से मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, स्वागत है आपका भी। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरजीत वाल्मीकि है। मैं साउथ एशियन सेंट्रल लेबर वर्कर नेटवर्क का उत्तर बंगाल का अध्यक्ष हूँ। और आज जो हम लोगों ने यहाँ संयुक्त रूप से जो एक कार्यक्रम किया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पालन किया है, इसका माध्यम से मैं देशवासियों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जाति भेदभाव और ऊंच नीच को छोड़कर सब एकता के सूत्र में बंधकर देश की उन्नति के लिए ये पिछड़ा हुआ वर्ग जो है, जिन्हें हरिजन कहा जाता है, इनके उत्थान के लिए सभी एक साथ होकर देश की उन्नति के लिए काम करें और भेदभाव को छोड़ दें। इसी में ही देश की उन्नति है, हम सबकी भलाई। जय भीम जय भारत। जय। तो आज के परिदृश्यों पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए दीपक। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 132वीं जन्म जयंती का पालन कर रहे हैं। सिलीगुड़ी अम्बेडकर सोसाइटी के तरफ से यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। सुबह 10 बजे हम लोग स्टार्ट किए हैं। हम लोग का प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम से शुरू हुआ है, स्वागत गीत से शुरू किए हैं। लगभग हम लोग 15 आदमी को, 15 समाजसेवियों को, 15 शिक्षा विषयों को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दीप जलाकर माला पहनाकर प्रोग्राम का हम लोग शुरुआत किए हैं। इस प्रोग्राम में हमारे अतिथिगण भी शामिल हुए हैं। अतिथिगण में हमारे मेयर साहब, हमारे यहाँ MLA शंकर घोष साहब, सभी को आके अपना फूल पुष्प यहाँ पर आए हैं। अतः हम लोग सभी को अम्बेडकर सोसाइटी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। जो उन्होंने जो चुनौती को किया है उसको हम लोग बहुत हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उनका प्रेरणा हम लोग तरह बातचीत। और आप आगे क्या बोलना चाहते हैं बाबा के बारे में, आप क्या जानते हैं? बाबा के बारे में मैं जानता हूँ कि बाबा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और वो जैसे स्ट्रगल करके कोई भी चीज़ करने गए, स्ट्रगल किए, जैसे पढ़ाई करने गए तो बाहर बैठे, पानी पीने गए तो बांस से पिलाया, इस तरह से हम लोग उनके बारे में जानते हैं। अच्छा देव, हमको एक बात बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर इनको पूरा नाम कहा जाता है ना, तो इन्होंने क्या किया था भारत देश में, इन्होंने क्या किया था, क्या दिया है, क्या लिख के दिया है? संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं ना संविधान। संविधान लिखा है। अच्छा।